नमस्ते। आज मैं फिर आप लोग के सामने आया हूँ और आज का दिन या आज का सेशन बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि कल 24 दिसंबर को मेरे फ्रेंड सर्वेश कुमार सिंह का बर्थडे था। तो मेरी तरफ से उसके लिए एक तोहफा है कि मैं उसका न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस करूँगा। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने चैनल में क्यों ना उसको शेयर करूँ, ताकि मेरे और जो दोस्त हैं जो कि न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग मिलके इस चीज को शेयर करें कि किस तरह से हमने उसको एक्सप्रेस किया, उसको एनालिसिस किया, एनालाइज कैसे किया उसको। तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरा सहयोग करें उसका एनालिसिस करने में। तो उसका चार्ट कुछ इस प्रकार है। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पर दिख रही है, मैं एक मिनट चाहूंगा आपका। मेरा से दिखाएगा नहीं, कोई बात नहीं। हुआ तो इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कुछ ऐसी थी, 24 दिसंबर 1990। तो जब हम फिल करेंगे 2412 1990, सी तो ऐड करेंगे नहीं। जब हम इसे जोड़ रहे थे पूरा, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका जो ये है पेन, जो इसका आएगा रेड कलर से मैं यूज करूंगा। तो इनका जो ड्राइवर आएगा, जिसको मैं पर्सनली पर्सनैलिटी नंबर बोलता हूँ, वो 6 नंबर आ रहा है, और जो इनका कंडक्टर है पूरी डेट ऑफ बर्थ जोड़ने पर 1 पे आ रहा है। तो सर्वेश, आपके लिए मैसेज रहेगा कि आप वीनस और सूर्य, वीनस और सन से रूल्ड है, तो आपकी पर्सनैलिटी में सूरज का और शुक्र ग्रह जो है उसका रूल बहुत ज्यादा रहेगा आपकी लाइफ में। और क्वेश्चन यही है कि 6 नंबर और 1 नंबर देता क्या है। 6 नंबर आपको एक ऐसा इंसान आता है जो कि ब्रांड पसंद कर देगा। ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर नहीं बोलूंगा, आपको हर चीज में ब्रांड पसंद है, हर चीज में। सफाई तो छोटी सी शब्द हो गया, खूबसूरती पसंद है आपको। आपको आर्टिस्ट, जितने भी काम होंगे आर्टिस्टिक काम जितने भी होंगे वो सब आपको पसंद है। और साथ ही साथ में मैं ये भी कहूंगा कि शुक्र का असर आजकल लोग क्या कहते हैं, जर जोरू और जमीन, वो तीनों आपके ही हैं। आपने जो जन्म लिया है वो तीनों सुख आपको मिलेंगे। जितनी लग्जरी है, पैसा कमाना 6 नंबर वाले लोगों के लिए बहुत आसान होता है। दे आर इजली अर्नर्स, आई वुड से दे इजली अर्न मनी। जो पूरी दुनिया जिसमें परेशान है वो आपके लिए बहुत ही आसान काम है। तो ये आपकी किस्मत है कि आपको 6 नंबर का योगदान मिल रहा है, और वो आपका पर्सनैलिटी ही है। 6 नंबर के लोग, जो एक स्किल होती है उनको काम करवाना की स्किल होती है, वो काम प्रेशर से नहीं करवाते, स्किल से होते हैं। दे आर मैनिपुलेटिव ऑल्सो, डिप्लोमेटिक होते हैं, काम करवाना जानते हैं। आजकल के जमाने में जिससे की सबसे जरूरत है, जिसको हम लोग सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं, वो आपके अंदर इनबॉर्न है। आप उस चीज के लिए साथ पैदा हुए हो, तो वो 6 नंबर का चमक आपके साथ रहेगा। और जो 1 नंबर है वो सूर्य से, तो सूर्य की तरह आप एक लीडर हैं, आप पैदाइशी एक लीडर ही हैं। आपकी जिंदगी आपको वो सारे लीडरशिप के रोल देगी, वो काम करवाएगी जिसमें, क्योंकि जिंदगी आपके सूर्य से रूल है, तो जिंदगी आपको हमेशा लीडरशिप पोजीशन पे ही पहुंचा जाएगी। तो आप एक लीडर कौन है, आप के साथ सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप डिसीजन जल्दी चेंज नहीं करते। एक बार जो काम लिया है आपने उसको आप पूरा करते हैं, ये खास बात है आपकी, क्योंकि सन का इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा है। तो आप कभी भी, आई वुड सिंपली कॉल यू आर रॉयल रॉयल इंडिविजुअल, जो कि हर काम को पूरा करता है। वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटी चाहता है, वो आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। आपको मैं ऑर्डर नहीं दे सकता, आपको पसंद नहीं किसी का ऑर्डर सुनना, आप किसी के अंडर काम कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी गलत रहेगा। आप किसी के अंडर काम नहीं कर पाएंगे, आपको अपना फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम इज द राइट वर्ड, फ्रीडम आपको अपने लिए, मैं कहूँगा एक आज़ादी चाहिए आपको, आज़ादी होना ही आपके लिए चाहिए। क्योंकि 6 भी वैसा ही और 1 तो खास तौर पर आज़ादी मांग रहा है, लेकिन किस्मत आपकी अच्छी है इस बात के लिए, क्योंकि आपके पास 1 नंबर लाइफ पाथ नंबर आ गया। लाइफ पाथ मतलब जिंदगी का रुख कैसा रहेगा, जिंदगी हमेशा आपको उस रास्ते पे फेंकेगी, भेजेगी जहाँ पे आपको वो सब चीजें मिलेंगी। मैं और कुछ देखूंगा अपने चार्ट में, जैसे मैंने पहले बोला ही आपको, आप एक ब्रांड लवर हैं, और जो एक बात सीक्रेट बतानी नहीं चाहिए किसी को, आप पैदा ही हुए हैं लग्जरी एंजॉय करने के लिए, ठीक है ना। आप एंजॉय करेंगे 110%, आपको मिलेगा ही मिलेगा, पैसा आराम से कमाते हैं। और खास तौर पे आपके साथ एक खास बात यह है कि आप
वेलफेयर में भी जाएंगे, सोशल वेलफेयर में, तो वहां पर भी आप इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि आपकी चमक मेंटेन रहे। वहां पे भी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपका नाम होना चाहिए, क्योंकि तो ऐसे लोग जो एक नंबर वाले होते हैं उनके लिए रेस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वो चाहेंगे कि वो नोटिस रहे सिस्टम में, तो ये तो आपके साथ खास बात रहेगी। और इसके बाद मैं एक दूसरी चीज आपका शेयर करूंगा कि आप कभी कभी कोशिश करिएगा, ओवर एम्बिशियस मत होइएगा, ठीक है ना। ओवर एम्बिशियस होने के बजाय प्रैक्टिकल रहेंगे थोड़ा बेटर रहेगा। अब थोड़ा थोड़ा वीकनेस की बात कर लेता हूँ। जो हमारा न्यूमरोलॉजी चार्ट है 492, इसका मतलब कि आप एनालिटिकल पावर हैं, क्विक ब्रेन है, बहुत ही इंटेलिजेंट इंडिविजुअल हैं, बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल इंडिविजुअल हैं आप, तेज दिमाग है आपके पास। और जैसा कि मैं सब लोगों को बताना चाहूँगा, सर्वेश आंखें बंद करके आप जो बोलेंगे वो उसे मोबाइल पर टाइप कर सकते हैं, आंखें बंद करके टाइप कर देंगे। वो इतने मतलब तेज दिमाग के कैंडिडेट हैं, वैसा कर सकते हैं, और उन्होंने करके भी दिखाया सर। तो दिमाग की तेजी तो है इसके अंदर, क्योंकि 492 जो एक चार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल प्लेन बोलते हैं न्यूरोलॉजी में, वो आपके पास पूरा कंप्लीट है। दिमाग की तेजी आपके चार्ट में दिख रही है, और यही तेजी आपके बिजनेस में भी आपकी मदद करेगी। ये बहुत अच्छा है। लेकिन आप सेकेंड लाइन देखेंगे वो पूरी गायब है। ये थोड़ा इमोशनल पेन था, ये आदमी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, दूसरों की मदद करने में ज़्यादा सोचता है। अगर वो नहीं है तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि आजकल के ज़माने में ये सब चीज़ें उतना मैटर नहीं करती हैं। वो एक एज के बाद आप खुद ही सीख जाएंगे कि दूसरे की मदद कैसे करनी कैसे नहीं करनी, तो उसके लिए बिल्कुल चिंतित ना रहें। मुझे जो डाउटफुल हल्का सा लगा, क्योंकि 5 नंबर यहाँ पर होता है, ये 5 नंबर मिसिंग है यहाँ से, ठीक है ना, ये 5 नंबर यहाँ से मिसिंग है, यहाँ पे 5 होना चाहिए था। 5 नंबर आपको स्टेबिलिटी देता है लाइफ में, इसका मिसिंग होने की वजह से आपका विल प्लेन पूरा नहीं हो पा रहा है, और कोई भी काम लेने के बाद आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और खास तौर पे 4, 5, 6, जिसको हम लोग लग्जरी प्रिंसिपल बोलते हैं, लग्जरी प्लेन बोलते हैं, वो भी इनकम्प्लीट हो रहा है। तो अगर आप 5 नंबर की रेमेडीज करें, या 5 नंबर को किसी तरह से अपनी लाइफ में ऐड करें, तो ये आपका विल प्लेन पूरा होगा, काम के लिए आपके अंदर विल है वो पूरा होगा, और साथ में ही आपका लग्जरी प्लेन भी पूरा होगा। तो पैसा तो वैसे भी कमाते हैं, लेकिन इसको ऐड ऑन करने से आप और भी ज़्यादा कमा सकते हैं, ये मदद करेगा आपकी, ठीक है ना। और खास तौर पे जो आपका नाम है सर्वेश कुमार सिंह, जैसे मैं चेक कर रहा था, ये घुमा फिरा के 3 नंबर पे आ रहा था, तो 3 नंबर भी मिसिंग है। तो 3 नंबर ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, 3 नंबर और 6 नंबर एक दूसरे के एंटी हैं। 3 इज देव गुरु बृहस्पति एंड 6 इज दैत्य गुरु शुक्राचार्य। हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारा नेम नंबर है वो ना ही लाइफ पाथ नंबर और ना ही हमारे पर्सनैलिटी नंबर के अगेंस्ट हो, लेकिन ये एंटी हो रहा है। उसके लिए मैं आपको थोड़ा गाइडेंस करूंगा, चेंज करूंगा उसको मैं, वो थोड़ा डिटेल काम होगा। लेकिन आज की जो हम लोग की सेशन है उसमें मैं एक बात आपको और कहना चाहूंगा, 7 नंबर मिसिंग हो रहा है यहाँ पे। 7 नंबर केतु का है। केतु क्या करता है? केतु हमें ऑप्टिमिज्म देता है। ऑप्टिमिज्म मतलब जो हमने प्लान किया है उस पर हमारा विश्वास खो जाएगा अगर, तो हमारा काम पूरा नहीं होगा, हम खुद ही रुक जाएंगे। और जो आदमी रुक जाता है वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता है, फिर वो रुका रहता है। अरे मैंने सोचा था कि मैं ये प्लान करता हूँ, फिर मेरा मन नहीं लगा उसमें, या मुझे लगा कि शायद ये गलत है तो मैंने उसको रोक दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 7 नंबर का, ठीक है ना। तो इस नंबर की वजह से आपका काम रुक जाएंगे, इस पे आपको काम करने की जरूरत है। 3 ना हो 5 ना हो कुछ चलेगा, मैं सही बता रहा हूँ, मेरी तरफ से चलेगा, लेकिन 7 ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 7 हो जाता है, क्योंकि जिसका विश्वास नहीं होगा एक्शन रुक जाएगा। क्योंकि एक्शन जब मिलेगा ना आपको, तो आपके काम पूरे होने की एक लिमिटेशन आपको जो रुकी हुई थी वो पूरी हो सकती है। आप कोशिश करोगे, सीखोगे, धीरे धीरे अपने आप फॉर्म में आ जाओगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको कोशिश करनी है, वरना एक जो बात जो छोड़ी छूट रही थी वो यही है कि 6 नंबर वाले एक शब्द बोला जाता है, लवर ऑफ फैमिली। फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब ओरिएंटेड होते हैं लोग, फैमिली के लिए बहुत ज्यादा लवर होता है इनके लिए, फैमिली के लिए क्रिएटिव बहुत होते हैं, ठीक है ना। और इनके अंदर बहुत ही ज्यादा है कि वो डिपार्चर महसूस भी नहीं करेंगे, मतलब कि अगर डिपार्चर बोलते हैं ना कि अलग होने के, वैसा कुछ भी नहीं है, वो डिपार्टमेंट नहीं पसंद करते। एंड दे विल बी अ वेरी गुड पेरेंट, एक अच्छे माँ बाप बनने के लक्षण आपके अंदर पहले से ही है। इंट्यूटिव रहेंगे, 22 है आपके पास, आप इंट्यूटिव रहेंगे। 3 है, ट्रिपल है, ट्रिपल 1 है आपके पास। एक्सट्रोवर्ट है, टॉकेटेटिव है, और जब जरूरत होगी तभी बात करेंगे। करियर में आप अच्छे रहेंगे,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या आपके लिए अच्छी चीज अच्छी मतलब ग्रोथ रहेगी इसमें। तो क्रिटिकल ऑफ अदर हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, क्योंकि डबल लाइन है, तो दूसरों के लिए आप काफी क्रिटिकल भी हो सकते हैं। तो कोशिश करिएगा अपने फायर को मेंटेन रखिए, अपने अंदर ही चलाइए और अपने काम पे फोकस करें, दूसरे पे नहीं। और जो 7 नंबर मिसिंग है, इसके लिए मैं इतना बोल दूंगा, कोई भी काम शुरू करिए उसकी एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ, एक सॉर्ट ऑफ बर्थडे गिफ्ट, 5 पॉजिटिव पॉइंट और 5 नेगेटिव पॉइंट लिखेगा, ताकि कल को कोई बाहर से आके आपको बोले कि यार इसमें तो ये कमियां हैं तुम फिर भी कर रहे हो, आप उसे कह सकें कि 5 कमियां हैं, 5 फायदे भी हैं, और मैं उन 5 फायदों पर नजर रख के काम कर रहा हूँ। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि उसमें 5 फायदे हैं, तो आप इतनी जल्दी बिखरेंगे नहीं। मेन चीज़ है आपका एक्शन ऐसे बिखर जाता है थोड़ी देर बाद। 7 नंबर मिसिंग नहीं हो रहा है, तो आपका काम रुक रुक के आगे बढ़ेगा, काम कंप्लीट ही नहीं होगा। आप रुक ही जाओगे तो कैसे कंप्लीट होगा? ये बिल्कुल खरगोश और कछुए की लड़ाई वाली, वो रेस वाली की स्टोरी हो गई। वो दौड़ तो बहुत तेज और जीत भी सकता था, लेकिन क्योंकि वो सो गया, अगर वो चाहता जीत के सो जाता, कुछ देर के लिए उसने मिस कर दिया। तो मेरी तरफ से 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव्स, और दोनों को दिमाग में रख के किसी से भी कोई बात हो जाए, अगर वो कोई निगेटिव फाइंड भी कर दे, आप पहले खुदाई कर चुके हैं कि मेरे पास 5 सोने या 5 हीरे हैं मेरे पास, तो आपका काम रुकेगा नहीं। ये मेरी तरफ से एक आपके लिए एडवाइस रहेगी, ठीक है ना? और रही बात 5 की है, तो मैं चाहूंगा अपना अपना नाम जो है वो 5th नंबर पे लेके जाए। सर्वेश कुमार सिंह या जो भी आप लिखते हैं वो 5 नंबर पे होना चाहिए, उसको चेंज करिए, ठीक है? मैं आपको खुद भी कुछ सजेस्ट करूंगा, ढूंढूंगा, लेकिन पहले मैंने सोचा कि काफी लेट हो रही है, बर्थडे तो कल का निकल गया, पहले मैंने सोचा कल का करूंगा, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, डिलेड हो गया, लेकिन बर्थडे मैंने विश कर दिया था, गिफ्ट डिले हो गया। तो ये चीज मेन है आपके लिए। और मैं कुछ अगर देख करूँ कि आपका माइंड कभी फ्लक्चुएट नहीं करता, ये 1 नंबर की खास बात होती है, माइंड फ्लक्चुएट नहीं करता है, और अंडर प्रेशर तो कभी आप रहते ही नहीं है, कभी नहीं रहते, ऐसे लोग हमेशा स्ट्रांग रहते हैं, उनको अंदर प्रेशर नहीं आता, दे आर बॉर्न लीडर्स, वो रूल करने के लिए पैदा हुए हैं। तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि लग्जरी से 6 नंबर दे ही रहा है आपको, और 1 नंबर आपको लीडरशिप दे रहा है। अगर आप वेलफेयर में जाएंगे, सोशल वेलफेयर में भी जाएंगे, तभी वहां पर आप लीडर बनना चाहेंगे और बन भी जाएंगे। आप लाइफ ही आपको दी जा रही है, जिसका पैसा भी मिल रहा है, रुतबा मिल रहा है, मतलब यू आर बॉर्न टू एंजॉय लाइफ, आपके पास ये चीज रहेगी लाइफ में, तो ये काफी अच्छा रहेगा। तो ये मेरा छोटा सा एक आपके लिए तोहफा था, न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस। और अगर मुझे मेरे दोस्त कुछ बताएंगे और भी कुछ एड ऑन करना, तो मैं इसको शेयर, वीडियो शेयर करूंगा यूट्यूब पे अपने ग्रुप में, आप और सब मेरे दोस्त हैं वो चाहे उसमें और भी कुछ एड ऑन कर सकते हैं, जैसे 8 नंबर मिसिंग है, लेकिन मैं चाहूंगा आप हर चीज फोकस मत करो, अभी आप सिर्फ 5 एंड 7 फोकस करिए, बाकी सब आप भगवान ने आपको काफी खुश दिया हुआ, दिमाग तेज है आपका, एक्शन पूरा होना चाहिए। आई मीन इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक्शन पूरा होना चाहिए, क्योंकि दिमाग तेज है तो प्लान का अच्छा है ही, प्लान अच्छा है तो एक्शन पूरा करो, कॉन्फिडेंस क्यों लूज कर रहे हो अपना? तो एक्शन लेंगे आप और लोगों से आगे निकल जाएंगे। आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, बिलेटेड बर्थडे, और आप जिंदगी में और आगे ऊंचाइयों तक पहुंचे, और हमें गर्व रहे आपसे, अभी भी है, आगे भी आप पे गर्व रहे, क्योंकि तो कुछ आप नया कुछ स्पेशल करने वाले हैं मुझे पता है लाइफ में। और जो पर्सनल ईयर जो है आपका, वो मैंने निकाला था, वो 7 ही आ रहा था इस बार, तो इस बार आप एक्शन लेंगे, पर्सनल ईयर भी 7 आ रहा है, तो 2023 में आप बहुत ढेर सारे एक्शन वैसे भी लेने वाले हैं। तो जिस चीज की कमी हम ढूंढ रहे हैं, आज 25 हो गई है, सिर्फ 5 दिन और, आप देखेंगे खुद ही कि आपके अंदर वो चीज गेन हुई और आप खूब ढेर सारे एक्शन खुद ही ले रहे हैं। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स जो कि वीडियो देख रहे हैं। नमस्ते, मैं अर्पित कपूर, और जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल का नाम न्यूमेरो विजर्ड है, विजर्ड का मतलब जो कि एक मैजिशियन होता है, तो न्यूमेरो विजर्ड मतलब जो नंबर के साथ जादू दिखा रहा होता है, तो आई एम अ न्यूमेरो विजर्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू।